हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है JEE के लिए। इस बार सबकी नौकरी पक्की हो सकती है। 2023 की बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती निकल के आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ बोलूँगा, जिन्होंने अपना CV मेरे पास भेजा था उन सभी का सिलेक्शन होना कन्फर्म है। और बहुत बंदों ने कल भी मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत CVs भेजे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पूरी लिस्ट में डाल लूँगा कि कौन कौन बंदा सेलेक्ट हुआ है और कौन कौन नहीं हुआ है या किस किस का इंटरव्यू कब की डेट में है, वो मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देरी मत कीजिएगा। ये गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ दोनों तरफ से है। गुड न्यूज़ आपके सेलेक्शन की तरफ से भी है, गुड न्यूज़ आपके इंटरव्यू की तरफ से भी है, गुड न्यूज़ आपको AAI की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है JEE की लिए उसकी तरफ से भी है। 2023 की बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती निकल के आ रही है और ये भी हो सकता है कि इस बार सबकी नौकरी पक्की भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप मेरे कहे तरीके से चलेंगे तो आपका सिलेक्शन भी कंफर्म हो सकता है। कैसे, किसके थ्रू, कब, कहां, सभी बताऊंगा। तो उसी के लिए आप आ जाइए इनके रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये 3/10/2023 है। ये वीडियो मैं इवनिंग में बना रहा हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो कल पोस्ट करूँ या आज पोस्ट कर दूँ। तो जब भी पोस्ट करूँ आप समझ जाइएगा ये 3 तारीख को ही है, मतलब या तो आ जाइए या कल आई थी ये, बस इतना समझ जाइएगा। इसके साथ साथ ये जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, अब आप बोलेंगे इसमें इंजीनियरिंग एलिजिबल है, जी हाँ, ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल है। आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आप कम्युनिकेशन से हैं, आप जो है केमिकल से हैं, आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, आप सभी एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी से बोलूंगा कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन कर दें। और जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन को आप दबाते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम आपको अच्छी वैकेंसी लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके जो है डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, ह्यूमन रिसोर्सेज कब आई है 3/10 को, कब अपडेट हुई थी 2/10 को, और इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो हम इसके एडवर्टीजमेंट को रीड करते हैं। क्या एडवर्टीजमेंट है, किसके लिए है, उसके बताने से पहले आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का सभी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देरी मत कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आएगा। अब बात आई इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जैसे ही हमें देखना है तो उसके लिए डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके का नोटिफिकेशन है, इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं इसको नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों आप, जब मैंने ये चैनल बनाया था आज से 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, तो मेरे को नहीं पता था कि YouTube से कुछ अर्निंग सेंस भी होता है, कुछ पैसा भी कमाया जाता है। मैंने सिर्फ ये चैनल हेल्प के पर्पज़ से बनाया था, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनलों में से एक है ये। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने कभी ये चैनल पैसे के पर्पज़ से नहीं बनाया था, और मैं ज़्यादा जितने मेरी इनकम है उसका 5% भी यहाँ से नहीं आता है। तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए हूँ, लेकिन आप सबकी हेल्प तभी हो पाएगी जब आप मेरी बात मानेंगे। अब मैं हेल्प करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को वो ये चाहता हो कि मैं 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर गवर्नमेंट जॉब अपने हाथों में ले लूँ, तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रहा हूँ, तैयारी मैं करवा दूंगा आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, आपको जॉब कुछ बुक्स प्रोवाइड करके, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन और एज वेल एज आपको फ्री क्लासेस के कुछ चैनल्स हैं जिसको आप अप्लाई करके जॉब अच्छी ले सकते हैं। तो उसके थ्रू अगर आप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, एज वेल एज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सिर्फ हेल्प के पर्पज़ से है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। किसी को आप लाइक कीजिएगा मत कीजिएगा, किसी का चैनल देखिएगा मत देखिएगा, वो आपकी मोटिव है। लेकिन अगर आप चाहिए तो आपको जॉब चाहिए और अपनी फैमिली कंडीशन, खुद की कंडीशन को ग्रो अप करना है, तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आई हुई है। अब इसमें कौन कौन चाहिएगा, किस किस स्केल के, सबसे पहले तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी विल इन्वाइट एप्लीकेशन वेबसाइट इसी पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की इन द पे स्केल ऑफ 40,000। सैलरी कितनी होगी, 40,000 इनिशियल पे, फाइनल पे होगा 1,40,000। मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट सैलरी आएगी आपके पास 96,000।
कुल मिला के जो आपके 88,000 के आसपास आएगी आपकी CTC। अब ये कब आएगा, ये एडवर्टीजमेंट इनका शॉर्टली आने वाला है, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नोटिस इज अ इंडिकेटेड नेचर, AI रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई आफ्टर रिस्ट्रिक्ट एनलार्ज कैंसिल इंडिकेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन देने के बाद उसको कैंसिल किया गया। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीपिंग विजिटिंग कैरियर, वो जो है टाइम टाइम पे आपको इनके कैरियर वेबसाइट पे देखते रहें। इसके साथ साथ यहाँ एलिजिबल कौन होंगे, एलिजिबल कंडीशन की मैं बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो एलिजिबल होंगे, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल होंगे। हो सकता है कि डिप्लोमा इस बार हटा दिया जाए, बट लास्ट ईयर डिप्लोमा था, तो डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। इंजीनियरिंग वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, और स्पेशली कुछ ब्रांचेस के लिए, 7 ब्रांचेस के लिए स्पेशली प्रेफरेंस दी जाती है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो जब भी वैकेंसी आती है 500 प्लस वैकेंसीज आती है, इनका नोटिफिकेशन कभी भी शॉर्ट में नहीं आता है 300, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, तो मान के चलिए कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होगी, ऑल इंडिया होगी, तो ऑल इंडिया में बहुत आगे जा सकते हैं। और फेक रिक्रूटमेंट से बच के रहें, फेक नोटिफिकेशन से बच के रहें, या कोई आपसे प्रॉमिसेस करता है पैसों के अगेंस्ट में तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अब बात आई कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अप्लाई करने का लिंक अभी आया नहीं है, वो मैं आपको रिसेंटली जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिएगा, और याद से इंस्टाग्राम पे आप जो है अपना CV मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।